हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अप्रेंटिसशिप दानापुर के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे उसका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। दोस्तों, आप सब फॉर्म अप्लाई के समय जो ईमेल आईडी दिए हैं उसे एक बार चेक कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप के लिए वैसे 1033 विद्यार्थियों का चयन किया गया है जो आप वो मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड सीरियल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे अपना ट्रेड देख सकते हैं, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर। और हाँ, एक जो खास है आपके लिए वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, जो किनारे में आपको मिल जाएगा। इसको स्क्रॉल करके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट देख सकते हैं कि आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कब होगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है ये भी एक नोटिस के द्वारा आपको बताया गया है। नोटिस ये हम लोगों के सामने ओपन हो चुका है। जैसे आप नोटिस तो हम लोगों के सामने है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीज़न नोटिस दिख रहा है, 12/3/2019। टोटल 1033 विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड रूल जो आपको देखना है जाके आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। उसके लिए उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर में अपने ट्रेड से संबंधित अप्लाई करना होगा। और उस अप्लाई किए हुए प्रिंट आउट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लेकर जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे ये दिख रहा है, होम पेज पे जाना है, अप्रेंटिस सेलेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर रजिस्ट्रेशन भरना है। फिर जैसे ही आपको ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद से अप्लाई अप्रेंटिसशिप, फिर स्टेबलिस्ट नेम में टाइप करना है ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर स्टेट बिहार सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी है कीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। वैसे मैं इसका वीडियो बनाकर मैं निश्चित रूप से अपने वेबसाइट पे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आगे जो इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम आपको बोल दें कि अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड, 10 फोटो और 10वीं की सर्टिफिकेट और आईटीआई की सर्टिफिकेट। आइए एक एक करके देख लेते हैं। एक नंबर में आपको जैसे कि देख सकते हैं कि मार्कशीट लेके जाना है आपको, मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, 10th हो आईटीआई हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके 10वीं की मार्कशीट या 10वीं के सर्टिफिकेट पे अंकित है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है अपना, एससी एसटी ओबीसी, अगर ओबीसी हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट,
लेकर जाना है जो साल भर पहले मतलब साल भर के अंदर में बना हो। उसके बाद जो हैंडीकैप्ड हैं और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए वो अपना अपना वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। उसके बाद 10 फोटो और प्रिंट आउट ऑफ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रिंट आउट लेकर जाना है जो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट से जो अपना रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कीजिएगा उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है।